कुलधरा का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा ना। ये भी पता होगा कि कुलधरा से रातों रात कई हजार लोग अचानक से गायब हो गए थे और उसके बाद से वो जगह हॉन्टेड हो गई। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई वहां पर बसने में। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आसाम में एक ऐसा गांव है जिस गांव से रातों रात 1,00,000 लोग गायब हो गए थे और उनके नामों निशान तक नहीं मिले कि आखिर वो कहां गायब हो गए, कहां चले गए, कैसे अचानक से गायब हो गए, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। असम के गुवाहाटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है मायोंग नाम का एक गांव, जो कि इतना रहस्यमय, इतना तिलिस्मी, इतना खौफनाक, इतना डरावना गांव है कि आसपास के गांव के लोग भी उस गांव का नाम लेने से भी कतराते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग उस मायोंग गांव के ऊपर पूरी केस स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, नॉर्मल टोन में, अगर आप लोगों को खाना बनाने का शौक है, कुकिंग की अलग अलग रेसिपीज जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो बिनीज रेसिपी नाम का एक चैनल है जो आप लोगों को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि उस चैनल में आपको आए दिन अच्छे अच्छे खाने बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी पता चलती रहेगी। स्क्रीन पर विथ स्पेलिंग वो चैनल का नाम दिख रहा है, जाके सर्च कर लीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं दोस्तों। असम के मोरीगांव नाम के जिले में स्थित एक छोटा सा मायोंग नाम का गांव, जिस गांव में ना जाने कितने सालों से मंत्रों और काली शक्तियों के जाल बुने जा रहे हैं। माना जाता है कि महाभारत से भी इसका रिलेशन है। महाभारत में भीम का बेटा था घटोत्कच, माना जाता है कि घटोत्कच मायोंग का ही राजा था। इस दुनिया में काली शक्ति, काला जादू की शुरुआत मायोंग से ही हुई है। माना जाता है कि इस गांव के चप्पे चप्पे में, जगह जगह में ऐसे ऐसे मंत्र गड़े हुए हैं, जिस मंत्र के ऊपर अगर किसी भी इंसान ने सिद्धि प्राप्त कर ली तो वो यूं चुटकियों में किसी भी इंसान को एक जानवर में तब्दील कर सकता है। ये एक ऐसा खौफनाक गांव है दोस्तों, जहां पर आने से अच्छे अच्छे लोग कतराते हैं। एक बार की बात है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने यह सोचा था कि हम आसाम में चढ़ाई करेंगे, और चढ़ाई करने के लिए उन्होंने धावा बोल दिया मायोंग की तरफ। लेकिन मायोंग के तांत्रिकों को जब यह बात पता चली तो उन लोगों ने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी इनकी सीमा पर। जैसे ही उस मुगल बादशाह की 1,00,000 सेना उस दीवार के अंदर एंटर करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए लापता हो जाते हैं, उनका आज तक कभी कुछ पता नहीं चला। मायोंग एक ऐसा गांव है जिस गांव का नाम लेने से आसपास के लोग कतराते हैं। जी हां, नाम लेने से भी। वहां पर जाने की सोचना तो बहुत दूर की बात है, ये सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन इतना ही काफी नहीं, ये एक ऐसा गांव है जिसके अंदर एक और छोटा यानी कि इसका सब रीजन मौजूद है, जिसका नाम है बूढ़ा मायोंग। माना जाता है कि बूढ़ा मायोंग के अंदर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणपति की एक ऐसी मूर्ति स्थापित है जो कि तांत्रिक विद्या के लिए तांत्रिक उपयोग करते हैं। वो ऐसी मूर्तियां हैं जो आम इंसानों ने ना ही कभी देखी है और ना ही पूजा पाठ में उनका कभी उपयोग किया होगा। इसी बूढ़े मायोंग के अंदर एक कुंड स्थापित है। माना जाता है कि इस कुंड का पानी वहां की तंत्र शक्तियों की वजह से कभी भी किन्हीं भी हालातों में सूखता नहीं है। माना जाता है कि इसी कुंड के ऊपर ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके ऊपर लिटरली मंत्र लिखे हुए हैं। कोई इंसान चाहे तो उन मंत्रों को पढ़ सकता है, उनमें बताए हुए तरीके से सिद्धि प्राप्त कर सकता है और उसके बाद उसके अंदर ऐसी असीम शक्तियां आ सकती है जिसके बारे में उसने तो क्या कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर ऐसी बात है तो मायोंग के लोग बेहद ही शक्तिशाली होंगे। तो सही सुना आप लोगों ने, मायोंग के लोग इतने ज्यादा तंत्र विद्या में स्ट्रांग माने जाते हैं कि इसको ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मायोंग का नाम आज से नहीं, लोग ना जाने कितने हजारों सालों से जानते हैं। मायोंग एक ऐसा गांव है जहां पर कुछ समय पहले तक दूर दराज से लोग पहुंचते थे तंत्र विद्या की शक्ति को अपनाने के लिए, उसमें महारत हासिल करने के लिए, और करके भी जाते थे। इस गांव के घर घर में तंत्र शक्तियों की रेगुलर साधना चलती है। इसी वजह से इतने बड़े शहर के बेहद नजदीक यानी गुवाहाटी से केवल 40 किलोमीटर होने के बावजूद भी यहां पर आम इंसान, आसपास के लोग जाने से बहुत ज्यादा कतराते हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि इस गांव के अंदर रहने वाला हर एक इंसान काली शक्तियों में, तंत्र शक्ति में इतना ज्यादा विद्वान होता है कि अगर उसका दिमाग खराब हो गया तो ना जाने वो क्या कर गुजर सकता है। अगर दोस्तों आप लोगों को इंटरेस्ट है ऐसी चीजों में, ऐसी चीजों को एक्सप्लोर करना आपकी एक हॉबी है, तो आप यहां पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं।
नॉर्मल साधन तो चलते ही हैं, गुवाहाटी तक पहुंच जाइए, उसके बाद किसी भी बस या टैक्सी की सहायता से आप इस गांव में आसानी से पहुंच सकते हैं। इन खबरदार, इस गांव में पहुंचने से पहले या फिर पहुंचने के बाद भी आप लोगों को कई तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा गाँव है जो कि एक अपना अलग सा मायाजाल बुन के चलता है और यहाँ का हर एक इंसान मायावी कहलाता है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये 100% सटीक है। अगर कोई भी असम का व्यक्ति होगा उसको जरूर इसके बारे में पता होगा, मैं उसके कमेंट को जरूर पिन करूंगा, एक बार इस वीडियो की सच्चाई को आप वेरीफाई कर दें। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार गूगल में जाके मायोंग विलेज जरूर लिखिए, आप लोगों को इस गांव की पूरी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपने देखे अब तक तो लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि थोड़ा तो इंटरेस्ट आया होगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले रहस्यमय वीडियो रेगुलरली लेके आते रहता हूं, जिसे देखकर आप लोगों का मनोरंजन भी होता है साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ती है। अगले वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, शाम वाला वीडियो में लेकर जरूर आऊंगा, मिलना मत भूलना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।